कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी और मैं संजीव झा। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी शाम की अर्घ की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने अरुण झा से बातचीत की, जो कि फ्रीडम फाइटर में हो रही छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। खबर एनडी में आपका स्वागत है। ये यहाँ पे छठ पूजा कितने वर्षों से देखिए, लगभग 20 वर्षों से चल रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। यहाँ लगभग 20 वर्षों से ये छठ पूजा चल रहा है। यहाँ सभी जितने भी हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, हमारे गांव समाज के होने के जो लोग हैं, सभी लोग मदद करके इस छठ के निर्माण में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और सभी का जो सभी लोग मेहनत किया है उसका आज फल हम लोगों को देखने को। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आते हैं हमारे यहाँ? मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जी अनिल जैन जी होते हैं, पूर्व विधायक चौधरी धर्म सिंह कंवर जी हैं, जिला अध्यक्ष आजाद सिंह जी हैं और हमारे जो मेन होता है पूर्वांचल का इसमें पूर्वांचल भाई मेन सारे नेता हैं। और मनोज तिवारी जी? मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम रात था और वो मनोज तिवारी जी आज शायद छठ व्रत भी करते हैं तो आज अवेलेबल नहीं है, उनका एक दिन पहले प्रोग्राम हो जाता है और रात आए थे और कुछ अच्छा कार्यक्रम करेंगे। मनोज तिवारी जी, जल्दी जल्दी दो टूक बताइए कि छठ पर्व पे देशवासियों को क्या कहना? छठ पर्व पे मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा कि ये सौहार्द बनाए रखें और अच्छे से छठ पूजा को सेलिब्रेट करें और मैं फिर पुनः छठ माता की। वहीं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में छठ पूजा मनाया गया। हमारे संवाददाता पहुंचे संगम विहार छठ घाट पर, जहां पर छठ पूजा की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है और लोगों का आस्था बढ़ता ही जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री शरद झा लोगों को संबोधित करते हुए दिखे। छठ व्रतियों और हमारे इष्ट मित्रों को छठ पर्व के संध्या अर्घ पे नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह बड़े ही हर्षोल्लास का समय है और बहुत ही महात्म का समय है कि सबका लोग मिथिलांचल से और पूर्वांचल से भी आयल बानी, 1200 किलोमीटर आयल बानी और रउआ सभी आके पूर्वांचल के छठा बिखेरे तो मन आह्लादित भ जाए छे और महसूस भ जाए छे कि दिल्ली में पूर्वांचली के हस्ती की छे। पूर्वांचल मोर्चा के सेवा करे के मौका भेटे, पूर्वांचली के बीच में दिन रात जाए के मौका भेटे, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, पिछले साल भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो यहाँ का एक ऊर्जा जो सकारात्मकता यहाँ के छठ पूजा में है वो एक अलग ही है। मित्रों, पर्व त्यौहार हम बहुत मनाते हैं, दुनिया के हर एक धर्म संप्रदाय वर्गों में कोई ना कोई पर्व और त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए को भी हम शीश निभाते हैं और झुकते हुए को भी, डूबते हुए को भी सहारा देते हैं, शीश निभाते हैं। इसका एक जीता जाता एक अकेला और जीता जागता उदाहरण सिर्फ पूर्वांचलियों ने दिया है और विश्व के किसी कोने में ऐसा। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।